अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हम वतनों, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज का जी मौसम बहुत अच्छा है और आज हमारा दिल कर रहा था कोई आउटिंग प्लान करने का, और हमने जो है ना अपने एक दोस्त को दावत दी है। मानी भाई, हाल है मानी भाई? ठीक हो? कैसे हैं? ठीक ठाक, आप? ठीक ठाक। और बताएं मानी भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये क्या नहीं था जी, क्या कर दिया आपने? मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो आज क्या प्लान है, आज कहीं बाहर चलें फिर? सर जी हमारा ये प्लान है कि हमारे कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं कबड्डी के, पाकिस्तान से। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज उनको खाने पे लेके जाते हैं। सही है। और घुमाते फिराते हैं लंदन। तो लंदन चले फिर इंशाल्लाह। ये लीजिए, सफ़र का आगाज़ हुआ जाता है। हम जा रहे हैं जी लंदन, और यहाँ से ट्रैवल टाइम है इसका तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट। चलते चलते हम पहुँच गए हैं मोटरवे पे एक रेस्ट एरिया में, और यहाँ पे हमने रिफ्यूल करवाना है और थोड़ा बहुत खाना पीना करेंगे। और रश काफ़ी ज़्यादा है, भाई ने पेट्रोल भर ली है गाड़ी में। चलते जी हम लंदन पहुंच गए हैं, और लंदन में जिस जगह पे मैं अभी फिर रहा हूँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वर्कर्स, फैमिलीज और जो भी माइग्रेंट्स आते हैं, वो इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्फियत उनकी होती है। और वो तकरीबन आप यूँ समझे कि 90% लोग जब अपना आगाज़ करते हैं सफ़र इंग्लैंड का, तो वो यहीं से शुरू करते हैं, और फिर यहाँ से उनकी ज़िंदगी का वो सफ़र शुरू होता है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता। और इस जगह की एक और भी बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे इस स्ट्रीट में एक ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर लाउड स्पीकर पे अज़ान दी जाती है। वैसे तो इंग्लैंड में ये अलाउड नहीं है कहीं पर भी, बट यहाँ पर एक मस्जिद ऐसी ज़रूर है। इल्फर्ड लेन इसका नाम है, और ये है जी इल्फर्ड लेन। एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट का नाम है जी हवेली। तो आज जी हम वहीं जा रहे हैं। आए हैं जी शौकत भाई पाकिस्तान से, आप खेलते हैं जी कबड्डी, और शौकत भाई जो है वुल्वरहैम्पटन क्लब जो है कबड्डी का, उसकी तरफ से यहाँ पे ग्रेस में मैच खेल रहे हैं, और ये पाकिस्तान से आए हैं स्पेशल। वुल्वरहैम्पटन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, और वुल्वरहैम्पटन का वैसे मैं बताता चलूँगा, ये एक छोटा सा टाउन है बर्मिंघम के पास ही। वॉल्सल और वुल्वरहैम्पटन बेसिकली नेबर्स हैं, और 15-1 मिनट की ड्राइव है वहाँ पर। शौकत भाई हैं, ये पाकिस्तान से उस क्लब की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स वीज़ा भी आए हुए हैं। आप यूके का जो वुल्वरहैम्पटन कबड्डी क्लब है उसकी तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वुल्वरहैम्पटन क्लब को। हाँ जी। और आप इंग्लैंड आए हुए हैं, और यहाँ पे आप मैचेस खेल रहे हैं। हाँ जी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ का? बहुत ज़बरदस्त। तो क्या अभी तक आपने एक्सपीरियंस लिया है, कैसा माहौल है, बाकी लाइफ कैसी है? ज़बरदस्त माहौल है, दैट्स ग्रेट। बड़े डाउन टू अर्थ आदमी है, जवान भी देख लेकिन अब 7 फुट बहरहाल ये ना। ठीक है शौकत भाई, फिर आप मेरे जाते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।
ओके भाई, ओके भाई। आप भी वुल्वर हंटिंग क्लब की तरफ से खेलते हैं? हाँ जी भाई। और आप हैं एयरफोर्स में? हाँ जी, पाकिस्तान एयरफोर्स। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है भाई, गुड लक फॉर योर मैच। सुबह मैच है? हाँ जी भाई। चलो जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो वापसी के लिए थे, लेकिन हमने सोचा कि लंदन आए हुए हैं तो रिवर टेम्स को देखे बगैर कैसे जाया जा सकता है। तो खैर वो गैस करते 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 हम रिवर टेम्स के किनारे पे आ गए। ये किनारा वही किनारा है जिसके ऊपर लंदन ब्रिज है, सेंट्रल है लंदन, ह्यूस्टन स्टेशन है, बर्मिंघम पैलेस है, लंदन म्यूज़ियम है, और भी बहुत सारे जो मेन जो लंदन के जो पॉइंट्स हैं वो इसी दरिया के किनारे के ऊपर वाक़ हैं। सेंट्रल लंदन यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ तो हमारा प्लान नहीं था ना यहाँ पे, बट रिवर टेम्स को देखना ज़रूरी था क्योंकि ज़ाहिर है ये एक आइकॉनिक रिवर है, फेमस है लंदन के जो सेंटर से गुजरता है, और तकरीबन टूरिस्ट का जो फेवरेट स्पॉट होता है दैट इज़ लंदन ब्रिज, जो कि इसी दरिया के ऊपर वाक़ है। तो हमने सोचा कि हम आए हैं तो हम इस दरिया का भी चक्कर लगा लेते हैं, और इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवर एज वेल, लेकिन यहाँ पर इसका ज़ाहिर है काफ़ी बड़ा वाया है। आप देखेंगे यहाँ पर समुद्री जहाज़ भी पार्क हुए हैं और बाकी भी यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने की अच्छी अच्छा व्यू है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। पीछे ये पोर्ट है पूरी, बेसिकली ये समुंदर है सामने। यहाँ पे अगर आप मेरे लेफ्ट पे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लंदन है जो सेंट्रल लंदन है, और अगर इस साइड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो समुंदर आता है तकरीबन यहाँ से 10 माइल के बाद समुंदर शुरू होता है। तो यहाँ पे हार्बर बनी हुई है, पोर्ट बनी हुई है, जहाँ पे जो गहरे दरिया के अंदर आके शिप्स अनलोड करते हैं, लोडिंग करते हैं, विंड मिल्स लगी हुई हैं, और हार्बर का जो एरिया है वो नज़र आता है। बहुत ही पहुंच गए हैं जी वापस बर्मिंघम। अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप, और मानी भाई थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ लेके गए, और हमने आज लंदन का विज़िट किया है। वहाँ पे हम अपने जो पहलवान हैं उनसे मिले हैं, हमने उनके वीज़े के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली है और बाकी भी चीज़ें आपको बताई हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।